गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कैंचन सो गाइज बस यहां पर क्लीनिंग चल रही है सुबह की जो मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन होता है वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है इससे पहले भी तो आपने अगर नहीं देखा है तो वो चेक कर लीजिए उसी तरह से मेरी मॉर्निंग क्लीनिंग होती है सारी बट अभी ना इधर सामान पड़ा है कुछ बहुत ही ज्यादा सामान पड़ा है मतलब बॉक्स वगैरह ये वो सब पड़े हैं तो बाद में आपको दिखाई दूंगी मैं क्या है तो और इसी वजह से ना पूरा घर क्लीन नहीं हो पा रहा है जैसे कि इधर की साइड का हिस्सा क्लीन होता है उधर की साइड का हिस्सा क्लीन नहीं होता है तो ये सोफा वगैरह क्लीन करती रहती हूँ बहुत ही बारीक धूल बैठ जाती है अब घर पे काम चलता है तो हो ही जाता है एकदम बारिक एक धूल आ जाती है और वो सोफ़े के अंदर चली जाती है बट हमने सोचा है कि वो डेली डेली वैक्यूम करने से अच्छा है वैक्यूम क्लीनर से एक बार ही क्लीन करें जब ये पूरा काम ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद मुझे दिवाली की जैसी मैंने जैसे कि आपको बोला था वैसे ही साफ सफाई मुझे करनी है तो इसीलिए मैं अभी ज़्यादा इतना टेंशन नहीं ले रही हूँ ऊपर ऊपर -उप से वो सिर्फ धूल ही क्लीन कर रही हूँ नहीं तो मैं अच्छे से वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करती हूँ अच्छे से कर देती हूँ बट मुझे पता है कि डेली मैं क्लीन करूँगी और फिर काम चलेगा और फिर वैसे के वैसे ही होने वाला है इसी वजह से उससे अच्छा इतना ज़्यादा करो मत नहीं तो फिर आपको शाम को बहुत ज़्यादा दुख होगा जब वो वैसे के वैसे ही गंदा होगा तो मैं सिर्फ झाड़ लेती हूँ थोड़ा सा और बस उसके अंदर की डस्ट निकाल देती हूँ और अच्छे से रख देती हूँ सेट करके बस यहाँ पर आप देखना धूल कितनी निकल रही है मतलब आप देखो कल रात को ही मैंने क्लीन किया था रात को क्लीन करके अच्छे से पोछा वगैरह मार के और यहाँ पर देखो सोफ़े की डस्ट रही है ये सोफे की और थोड़ी सी बारीक धूल इधर उधर की वो है और उसके बाद बस कारपेट डाल दूँगी सब कुछ हो जाने के बाद और बस यहाँ पर हॉल क्लीन हो गया है बट इधर के साइड का जो बॉक्स बड़े हैं या सब कुछ ये मेस है वो क्लीन नहीं होगा अब जब पूरा काम खत्म हो जाएगा उसी टाइम क्लीन होगा और ये कारपेट भी हमें क्लीन करना है क्योंकि कारपेट भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है और मतलब उसके अंदर बाहर एक धूल बैठ गई है तो कारपेट भी हमें क्लीन करना ही है मतलब सारी ही चीज़ें क्लीन करनी है बस यही बोलना चाहती हूँ शॉर्टकट में और अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि बस कब काम ये ख़त्म हो जाए और कब हम लोगों को छुटकारा मिल जाए इस चीज़ से बस यहाँ पर सभी लोग चाय ले रहे हैं सुबह की और उसके बाद मैं नहा लूँगी यहाँ पर चाय और रस खा रहे हैं हम लोग बस उसके बाद थोड़ा सा चाय मीठा हो गया था मतलब गुड़ की बनाई थी ना तो उसमें अंदाजा नहीं लगता है तो मैंने उनको बोला कि मुझे ना थोड़ा सा मीठा ही लग रहा है तो ये बोले कि ठीक है अद्विक के इसमें का दूध डाल देता हूँ तो इसी वजह से वो डाल दिया बस सारी क्लीनिंग हो गई इसके बाद नहाने जाती हूँ अभी सुबह की क्लीनिंग वगैरह हो गई है मैंने नहा लिया है जस्ट फ्रेश हुई हूँ और मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ गुड मॉर्निंग विश कर देती हूँ और कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे अभी अभी सब कुछ हो गया है मेरा अभी करती हूँ किचन के काम किचन पे आती हूँ तभी आपकी याद आती है कि चलो आपसे बात कर लेती हूँ तो यहाँ पर ही मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ और उसके बाद मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं तो चलिए जल्दी से कामों में लग जाते हैं उसके बाद बात करते हैं आज संडे स्पेशल है चिकन उसके बाद यहाँ पर राइस है और इसमें है रोटियाँ अभी तो मैंने ये सारी चीज़ें क्लीन करके रखी है ये देखो ये हैं ये बर्तन वॉश करने के रह गए हैं बस इतने ही बर्तन हैं और ये मैंगो है और ये फूलगोभी गोभी है तो ये भी सैनिटाइज़ करके रख दी है सूखने के बाद फ्रिज में रखूँगी और यहाँ पर ये कपड़े डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में तो कपड़े भी हो रहे हैं वॉल पीस आपको याद होगा ये वॉल पीस हम लोग यहाँ पर लगवा रहे हैं और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना अभी ये वॉल पीस बाद में आप देख ही लेना कि कैसा लग रहा है तो और यहाँ पर ना आ, मैंने यहाँ के लिए ही मंगाया था वैसे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर और बहुत लोगों को ये वॉल पीस पसंद भी आया था और बहुत लोगों ने उस दिन मुझे लिंक्स मांगे थे तो डियर मैंने उस टाइम लिंक नहीं दिया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज दे दूंगी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और इसका आ, कमेंट में भी पिन कर दूंगी लिंक आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हो चेक करना है इसका प्राइस कितना है तो वो भी चेक कर सकते हो और जो शिवाजी महाराज की फ्रेम है ना वो यहाँ पर हम लोग लगवा रहे हैं वो आपको बाद में दिखाई दूंगी कि लगने के बाद कैसे दिखती है इसे आंबा बोलते हो मराठी में और वैसे क्या बोलते हैं आम हाँ। अच्छा अच्छा अभी वो खा रहे हुए छी अरे छिलके मत निकालो उसके अरे यार आपको वैसे ही खाना था ना वो छी अभी खाओ मैं उसे और हाँ ये जो है ना आ, ये वॉल पीस यहां पर लगा दिया है और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना यहाँ पर नॉब लगने बाकी है तो यहाँ पर नॉब लगेंगे ये पूरी पॉलिथीन उतरेगी इसकी और उसके बाद ये अच्छा लगेगा वैसे अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है ये बताना जरूर मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और मेरे थीम से मैच हो रहा है ना तो इसी वजह से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे अभी इसमें वाइट भी है इसमें गोल्डन भी है इसमें ब्लैक है जो डार्क ब्राउन जैसा दिखता है तो इसी वजह से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये और अभी देखो वहां पर उस टेबल के ऊपर कैसा लग रहा है और हाँ यहाँ की जो फ्रेम थी ना वो यहां पर लगा दी और यहां के निकाल दी और यहां पर ये यह लगवा दी बहुत सुंदर लग रही है यहां पर ये यह। मतलब इस वॉल का लुक बढ़ा दे रही है तो ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट फ्रेम है मतलब उनको बहुत ज्यादा पसंद है शिवाजी महाराज की फ्रेम तो इस वजह से वो उन्होंने मतलब कब से वो सोच रहे थे फाइनली लेके आए थे और यहाँ पर लगा दी थी हम लोगों ने तो यहाँ से तो यहाँ पर लगा दी थी यहाँ से निकाल के यहाँ पे यहाँ पे लगाई है अभी अच्छी लग रही है ये और यहाँ की अभी उधर लगाएंगे यूटिलिटी जो पैसेज है ना वो वहाँ पर रख दी है तो आज उनको टाइम नहीं था कारपेंटर को तो इसी वजह से वो चले गए जल्दी और वो कल वगैरह लगा देंगे तो मैं दिखा दूंगी आपको कैसे दिखती है वहाँ वहाँ पे भी कैसे दिखती है तो मैं दिखा दूंगी आपको बाद में शाम हो गई है और वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बारिश जैसा वेदर तो नहीं है बट अच्छा लग रहा है और ये पूरा क्लीन हो गया है एक्चुअली आपको दिखा देती हूँ मैं आ, ये जो है ना यहाँ पर प्लास्टर हो रहा है यहाँ पे देखो प्लास्टर हो रहा है तो उसके पूरे छीटे हमारे घर पर उड़ रहे हैं इधर तो वो तो आपको बाद में ही दिखा दूंगी सुबह चीटे कितने उड़ते हैं और क्या क्या होता है तो वो आपको सुबह देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर भी बहुत गंदा हो जाता ही है ये तो वो लोग आए और वो टाइल्स का घिस के चले गए फिर हम लोगों ने पानी वगैरह डाला यहाँ पे मतलब इसकी वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा इसी के चक्कर में चला जा रहा है मतलब क्लीनिंग 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 वजह से इतना ज्यादा थक रहे ना इतना ज्यादा टाइम इसी में चला जा रहा है कि आपको क्या बताओ मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और आप लोग बोल रहे हो कि दी मराठी चैनल पे ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो तो इसी की वजह से यार डियर दिन भर थक ही जा रही हूँ हर एक चीज तो शूट नहीं कर सकती क्योंकि जल्दी जल्दी भी कुछ चीजें करनी पड़ती है और शूट करने जाओ ना क्या होता है सारा टाइम उसी में चला जाता है मतलब कैमरा सेट करो उसमें ज्यादा टाइम निकल जाता है और काम कम होते हैं तो इसी वजह से जब काम करने होते हैं ना प्रॉपर कैमरा लेके शूट नहीं होता है तो यहाँ पर सब कुछ हो रहा है ना ये अभी झेलना ही पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब पड़ोसी है और क्या कर सकते हैं मतलब ऐसे नहीं बोल सकते उन्हें कि हमारे यहाँ पे चीटे उड़ रहे हैं तो ये मत करो वो मत करो अभी उनका काम है साइड में घर बन रहा है तो उतना तो झेलना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा बट थोड़े से प्रॉब्लम हो ही रहा है थोड़े से क्या बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है बट वो अभी क्लीन करके गए हमें फिर बाद में पानी डाल के क्लीन करना पड़ा और सब कुछ करना पड़ा अभी यहाँ पर देखो न्यू कलर लगवाया है हमने और न्यू कलर अभी गंदा होगा तो उस पर भी वो बोल रहा है कि थोड़ा सा उधर से पेंट करवा देंगे बट जो हमने पेंट यूज़ किया है वो थोड़ी ना करवा देंगे वो मतलब हमने अल्टीमा यूज़ किया है तो अल्टीमा तो थोड़ा महंगा आता है जिन्होंने लगवाया है उनको तो पता ही होगा और अभी जो ये कंस्ट्रक्ट करके देते हैं ना तो वो अल्टीमा वगैरह नहीं लगवा के देते वो सादा जो क्या बोलते हैं ना उसको मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका वो लगवा के देते हैं बीच वाला एकदम लो क्वालिटी का भी नहीं लगा के देते और हाई क्वालिटी का भी नहीं लगवा के देते हैं है, बीच वाला लगवा के देते हैं तो इसी वजह से वो तो नहीं लगवा के देंगे अभी अल्टीमा हमें पता नहीं अभी क्या होगा साइड से पूरी वॉल ख़राब हो चुकी है इस बार अब भी पेंट करवाया हमने जो एक्सटीरियर की बीस 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 लीटर की दो बाल्टियाँ बची थी तो वो दो बकेट में पूरा हम लोगों ने अभी बाहर से एक एक हाथ मार दिया था पूरा अभी कलर हुआ है और अभी ये पूरा ख़राब हो रहा है चलो जाने दो यार होता है यार दुख होता है इतने पैसे लगते हैं इनसे हम लोग कमाते हैं और वैसे ही बेच जाता है ना फालतू में तो बुरा लगता है चलो कोई बात नहीं अंदर जाती हूँ और इतना गंदा दिख रहा है ना घर मतलब बारीक धूल हर जगह इतना डेली क्लीन नहीं हो पाता है तो इसी वजह से मुझे भी अजीब सा लग रहा है मेरा ना मूड ऑफ हो रहा है मैं आपको क्या बताऊँ मूड ऑफ इसलिए हो रहा है कि अभी ये काम लंबे में चला जा रहा है हम लोगों ने सोचा था कि जल्दी हो जाएगा जल्दी हो जाएगा बट नहीं जल्दी नहीं हो रहा है ना इसी वजह से मेरा मूड ऑफ हो रहा है पूरा दिन भर ऐसे होता है कि काम कारपेंटर चले जाने के बाद तो हमें बहुत ही ज़्यादा काम होता है ये पूरी सीढ़िया क्लीन करो उसके बाद झाड़ू मारो पोछा मारो ये सब कुछ करो डेली का ही हो गया है अब और कितने दिन चलेगा पता नहीं अब ये बोल रहे थे कि आठ दिन और चलेगा देखेंगे यार क्या है तो चलिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ बच्चों के लिए बच्चे बोल रहे ढोकला खाने का मन कर रहा है मम्मा आज क्या बनाओगी पहले पूछते हैं कि मम्मा आज क्या बनाओगी तो आ, दीदी तो बोल रही है ढोकला ही चाहिए आप, मुझे खाना है खाना लगे तो दीदी तो बोल रही है डेली दीदी ही डिमांड करती है और आप बोलते हो मुझे ये नहीं चाहिए मुझे वो नहीं चाहिए फिर डेली डेली अरे डेली डेली अभी दोनों के लिए तो क्या बनाया अलग अलग मुझे भी मन कर रहा रहा है है बोल देखो अभी बोल रहा है कि <laughs> मत बनाओ और डेली डेली वही बनाती हो और बोल रहा है कि मुझे भी मन कर रहा है अभी खाने का चलिए ढोकला बनाते हैं तो गाइज़ यहाँ पर मैं बना रही हूँ ढोकला और बेसन का ढोकला बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है वो बता देती हूँ आपको सबसे पहले मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है एक कढ़ाई में और उसमें स्टैंड रख दिया है तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी पहले बेसन लिया था बट माँ ही बोल रही थी कि एक कटोरी मम्मा कम पड़ेगा क्योंकि हमें ज़्यादा खाना है तो इसी वजह से मैंने बाद में एक कटोरी बढ़ा दिया तो यहाँ पर मैंने दो कटोरी जो है वो बेसन ले लिया है और उसके बाद मैं इसे अच्छे से छान लूँगी छानना किस लिए है वो भी बता देती हूँ छानना इसलिए है उसमें से एयर निकल जाए इसी वजह से छानना है, है और आपको उसमें थोड़ा सा नींबू नींबूसत ऐड करना है मैंने इतना नींबू नींबूसत ऐड कर दिया है नींबू नींबूसत नहीं है तो आप नींबू भी ऐड कर सकते हो और उसके बाद मैंने नमक ऐड किया है और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है बस इतना पहले ऐड कर देना है आपको ड्राई बेसन में और ये ऐड करने के बाद आपको पानी डाल के अच्छे से घोल बना लेना है इसका और जब आप घोल बना लोगे ना उसके बाद आपको पाँच से दस मिनट के लिए उसे रेस्ट होने के लिए रख देना है यही इसका मेन चीज़ है रेस्ट होने के लिए आपको रख देना है उसको और उसके बाद आपको तब तक दूसरी चीज़ की तैयारी करनी है जैसे कि हम लोग मीठा पानी बनाएंगे उसकी तैयारी करनी है तो यहाँ पर मिर् मैं मिर्च कट कर रही हूँ तो मिर्च आपको ऐसे लंबी लंबी कट कर लेनी है एक के दो टुकड़े कर लेने हैं ऐसे हाफ में से और बस इस तरह से हमें मिर्च चाहिए होगी और बस ये करेंगे और उसके बाद पानी डाल देंगे होने के लिए तो एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है यहाँ पे और उसमें राई और हम लोग जो हरी मिर्च हमने काट के रखी है ना वो डाल देंगे और उसका तड़का लगाएंगे आपको दो ग्लास पानी ऐड करना है ये इतने साइज़ का दो ग्लास मैंने पानी ऐड कर दिया था दो ग्लास आपको पानी के ऐड कर देने हैं और उसमें आपको चीनी ऐड करनी है चीनी थोड़ी से ज़्यादा ऐड कर देना ताकि वो थोड़ा सा मीठा बने और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देना मतलब उसका टेस्ट आए हमने पहले भी ढोकले में नमक ऐड किया था तो थोड़ा सा हल्का सा ही नमक उसमें ऐड कर देना और बस यहाँ पर चीनी ऐड कर दूँगी थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ और बस इस पानी को बॉईल कर लेंगे चीनी उसमें मिक्स हो जाए ऐसे बॉईल कर लेना है और साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए यहाँ पर हमारा ये मीठा पानी रेडी हो रहा है तब तक हम लोग क्या करेंगे कि अब पैन को ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है मैंने पैन में और उसे अच्छे से ग्रीस कर लूँगी ब्रश से और उसके बाद जो हमने बैटर बना के रखा था ना बेसन का उसको निकालना है और उसमें ऐड करना है आपको एक चम्मच सोडा मतलब आपके पास पैकेट है तो आप पूरा पैकेट ऐड कर दीजिए यहाँ पर पैकेट सॉरी गिर गया था एक का हाथ से मैं शूट कर रही हूँ और एक हाथ से निकाल रही थी तो इसी वजह से वो गिर गया तो यहाँ पर आपको बैटर को अच्छे से फेंट लेना है और एक ही साइड से फेंटना है यही इसका मूल मंत्र है एक ही साइड से फेंटना है और अच्छे से फेंट लेना है और तुरंत आपको उस पैन में डाल देना है जिसको हमने ग्रीस करके रखा था इसे अच्छे से निकाल लूँगी मतलब जो स्पैचुला होता है सिलिकॉन वाला उससे अच्छे से निकलता है तो ये अच्छे से निकाल लूँगी और उसके बाद जो हमने कढ़ाई रखी थी उसमें पानी रखा था गर्म होने के लिए तो उसमें हम ये रख देंगे स्टैंड के ऊपर और इसके ऊपर एक प्लेट ढक्कन रख देंगे और इसके ऊपर एक थोड़ा सा भारी कुछ रख देना है ताकि उसमें से स्टीम बाहर ना जाए और यहाँ पर 20 मिनट के बाद हमारा ढोकला रेडी है और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है इसको कितना ज़्यादा स्पॉन्ज आया है और बाहर जैसा ही ये ढोकला बना है तो बस इसे थोड़ी देर साइड में निकाल के रख रख देना है ठंडा होने तक और यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ टूथपिक से लग रहा है या नहीं तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है बस इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और काट लूंगी यहाँ पर जिस शेप में आपको काटना है उस शेप में आप काट सकते हो यहाँ पर मैं इस शेप में काट रही हूँ और बस इसके बाद आपको ऊपर से जो हमने पानी बना के नहीं रखा था मीठा वाला वो पानी ऐड कर देना है दो ग्लास पानी था वो वो मैंने पूरा का पूरा इस पर ऐड कर दिया है और ये थोड़ी देर हमें रख देना है ऐसे सोख कर कर लेगा पानी और फिर जाके ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा तो आप बना के ज़रूर देखना एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करना रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो ट्राई जरूर करना चाहिए एक ट्राई तो बनता ही है और कमेंट करके ज़रूर बताना ढोकला कैसा लग रहा है आपको तो चलिए अभी इसे रेस्ट होने देती हूँ और बच्चों को खाने के लिए दे देती हूँ गाइस खाना तो बनाना नहीं है अभी सुबह का ही है डिनर में भी मतलब जो मैंने चिकन बनाया था वही है डिनर में चिकन है रोटियाँ हैं और बस और इन्होंने बाहर से भी रोस्टेड लाया है तो वो भी है तो चलिए फिर हम लोग डिनर कर लेते हैं और इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मैं अच्छे से नए ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा आज काम कर करके इतने ज्यादा पैर दर्द कर रहे हैं ना आपको क्या बताओ चलो कोई बात नहीं होता है इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हुई मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप देखते हो यार और सब्सक्राइब ही नहीं करते हो क्यों सब्सक्राइब किया है वो बहुत कम देखते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बहुत ज़्यादा देखते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार और हाँ इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा का लिंक दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना चलिए फिर बाय बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय ध्यान रखना अपना